हुंडई अपनी क्रेटा को फेसलिफ्ट के साथ में बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है, लेकिन उसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हमारा हो चुका है, और पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको पता होगा कि कौन से स्टेज तक इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी पहुँचती है, और हमने पहले वो भी बताया आपको कि जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ब्रांड की ओर से ऑफिशियली ट्विटर या इंस्टाग्राम या कहीं पर भी वेबसाइट वगैरह के मतलब वो सारी चीज़ों के ऊपर नहीं होती अनाउंसमेंट, तब तक आप जो भी इन्फॉर्मेशन देखते हो वो सारी 100% करेक्ट नहीं होती है। खैर वो चीज़ थोड़ी सी साइड पर रखते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ लॉन्च प्राइसिंग की हाइलाइट्स और खास करके वेरिएंट्स के अंदर, तो वो अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाले, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर पार्ट्स आपसे स्किप ना हो जाए। खैर एक्सटीरियर से सबसे पहले शुरुआत करें तो आपको कैरेक्टर वाइज सेम वही मतलब डायमेंशन वाइज सेम मिलेगी गाड़ी फेसलिफ्ट के साथ में, लेकिन फ्रंट के अंदर ट्यूसो से इंस्पायर्ड ग्रिल होगी, वर्टिकल हेडलैम्प्स होंगे, रियर के अंदर कनेक्टेड टेल लैम्प्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, लेवल 2 का एड्रेस, पैनोरामिक सनरूफ, और वो भी बड़ी साइज के साथ में जो अभी है उससे भी थोड़े डायमेंशन बढ़ जाएंगे, पेडल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर के दोनों ही बम्पर्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाएगा, तो ऐसी काइंड ऑफ एक्सटीरियर के अंदर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की और लॉन्च डेट की, तो इंडिया के अंदर जो है पहले ऐसा था कि जनवरी तक आएगी, लेकिन अब ऐसा है कि जनवरी के एंड या फिर फरवरी का स्टार्टिंग भी हो सकता है, तो जैन से फेब के बीच में आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। 11 से 18.5 लाख एक शोरूम तक जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिला है कि विथ एडास विदाउट एडास कौन सी प्राइसिंग की जो है बाइफर्केशन होगी, और ये सबसे कन्फ्यूजन के अंदर इसलिए है क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि विथ एडास अगर क्रेटा लेनी है तो कितनी प्राइस तक जाएगी। अब हम आपको कैसे बता सकते हैं कि 11 से 18.5 के बीच में आपको कौन सा वेरियंट विथ और विदाउट एडास मिलेगा या फिर क्या चीज़ें होगी, वो इसीलिए कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि जब भी मतलब इन्फॉर्मेशन आती है आगे से वहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं होती है, तो इस वजह से खामखा ऐसे ही रूमर्स वाले इन्फॉर्मेशन को देने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा टाइम और रुक जाओ और भी ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। बाकी मैं बात कर रहा था वेरियंट्स के बारे में, वेरियंट्स के अंदर ऐसा होने वाला है क्रेटा एनलाइन के साथ में आपको टर्बो पेट्रोल जाएगा, अगर टर्बो चाहिए तो फिर एनलाइन ही लेनी पड़ेगी, अब तक ऐसा है, लेकिन वेरियंट्स को उस हिसाब से सिलेक्शन या वगैरह चूज़ किया जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव प्राइस नज़र आएगी, ओवर प्राइस जैसा कोई भी वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगा या फिर ऐसा नहीं लगेगा, तो ये एक सबसे बड़े न्यूज़ आप बोल सकते हो क्योंकि हर एक लोग यही चाहता है कि ज़्यादा प्राइस ना बढ़े और अच्छी चीज़ें मिले, तो ये चीज़ मतलब सच होने की कगार पर है। बाकी तो देखते हैं, सपोर्ट करते रहो, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके जाना, अपने ऑटो एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।